इस ड्रिंक चिकन सुखा देना, ये देखें। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिसेंडर। व्यूअर्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स हमारे जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो बुनियादी चीज़ें जैसे आपको पता होंगे तो आगे काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बुनियादी चीज़ों में कई चीज़ आ जाती है, तो जैसे हमने आपको पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो इसी तरह तो जैसे हम सूट की सलवार के मेज़ की ओवरलॉक कराते हैं, कई लोग सलवार के ओवरलॉक नहीं कराते, ठीक है ना। वो कहते हैं धागे ना निकले और ओवरलॉक भी ना हो, ठीक है ना। उसका क्या तरीकाकार है, ओवर धागे ना निकले और ओवरलॉक भी ना हम कराएं, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ओवरलॉक क्या चीज़ होती है ये भी देख लें। ये हमने एक कमीज़ है मेरे पास, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ये कराई ओवरलॉक, इससे धागे नहीं निकलते, ये ओवरलॉक हुई हुई है, ये धागे नहीं निकलते, ठीक है। अब हमने ओवरलॉक भी नहीं करानी और धागे भी ना निकले, तो ये मैं बताता हूँ आपको। ये सलवार मैंने जो है ये रखी हुई उल्टी, ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, ये सिलाई हैं, ये धागे निकल रहे हैं, ये धागे निकल रहे हैं। तो इसका हल जो है ये बता देता हूँ इसका क्या तरीका है। तो हमने इस सिलाइयों के अंदर ऐसे चुके दे लेने थोड़े थोड़े फासले पे, ये इस तरीके से, ये देखें, ये आपने उंगली उंगली भी नहीं काटनी अपनी, इस तरीके से इस तरीके जिक्र सुखा देना, ये देखें। ये देखें ये सिलाई भी ना ख़त्म हो आपकी, सिलाई से बाहर बाहर टुका देना आपने, ये देखें, ये इस तरीके से सुखा देना आपकी सिलाई, ये देखें ये मेरी सिलाई है तो टुका ये लगा हुआ है, ठीक है ना। इससे आपके धागे नहीं निकलेंगे, लेकिन ये मैंने टुके दे लिए, ठीक है ना। टुके देने के बाद आपने वीवर ये देखें, मैंने टुके दे लिए हैं, ठीक है। अभी मैंने पौंजी की पट्टियाँ नहीं चिपकाई, उससे चिपकाने से पहले आपने ये सिलाई को ऐसे चीर लेना है, ये देखें इस तरीके से आपने, ये मैंने सिलाई जो है ना चीर ली है, इसके आप धागे नहीं निकलेंगे, ठीक है। और इधर से भी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई सफाई से, जो है ना ये सफाई आ गई इस साइड पर भी, ठीक है। देखें ये सिलाई जो है मैंने चीर ली है, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपने ये सिलाइयाँ चीर लेनी है साइड पर, जो देखें सफाई आ गई है दूसरी साइड पर, ठीक है। फिर आपने बाद में इसकी पट्टियाँ चिपकानी है। तो व्यूअर्स हमारे वीडियो से आप फ़ायदा उठाया करें। तो पहले किसी दौर में होता था, लोग दुकानों पर जाते थे तो दो दो चार चार पाँच पाँच साल ज़्यादा करते थे, फिर काम सीखते थे। अब आपको घर बैठे काम मिल रहा है, आप जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो आप घर बैठे काम सीखें इंशाल्लाह। तो बात यह है कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके। तो जिस चीज़ की नहीं समझ आती है वो कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स ये जो है ना बता दिया मैंने आपको किस तरह जो है ये बनाती चीज़ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट चीज़ सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।